नरगिस पकरी है हाफ चेकोस्लोवाकियन एंड हाफ पाकिस्तानी मॉडल। वो अपनी पहली इंडियन फिल्म रॉकस्टार करने वाली है रणबीर कपूर के साथ। अब तो नरगिस है फेमस फॉर हर लिंक अप विद रणबीर, बट उससे पहले नरगिस को मिला ब्रेक एज अ बिकिनी मॉडल। वो बन गई थी कबाब में हड्डी बिटवीन कैटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर और वो कर लिया रणबीर को विद हर सेक्सी बॉड। उन्होंने एक फोटो शूट के लिए भी अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करते हुए न्यूड पोज किया था। नरगिस एक मॉडल हंट बेस्ड रियलिटी शो अमेरिका टॉप मॉडल में भी हुई थी रिजेक्ट, क्योंकि शो होस्ट टायरा बैंक्स को लगा था दैट नरगिस डिड नॉट हैव द ड्राइव टू बी अ टॉप मॉडल। दूसरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है नरगिस फखरी की उम्र, क्योंकि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है एट 31 इयर्स ऑफ एज। आफ्टर बीइंग कंटीन्यूअसली स्पॉटेड विद रणबीर, अब वो दिखाई देती है अयान मुखर्जी के साथ, दैट टू इन हिज शर्ट। वी वंडर वेयर ऑल हर क्लोथ्स हैव डिसअपीयर्ड, और मे बी शी हैज ओनली बिकिनीज इन हर वार्डरोब। याना गुप्ता भी है चेकोस्लोवाकियन, जो आई थी इंडिया आफ्टर शी फेल इन लव विद अ लो प्रोफाइल आर्टिस्ट बेस्ड इन पुणे। तभी तो इस ब्यूटी का सरनेम है गुप्ता। फिर उन्होंने दिया अपने सीधे साधे पति को छोड़ आफ्टर मेकिंग हियर एज अ बिग टाइम मॉडल। बॉलीवुड में बन गई वो बोल्ड आइटम गर्ल विद बाबूजी जरा धीरे चलो, और फिर हुआ उनका फ्लॉप हीरो आफ्ताब शिवदसानी के साथ लिंक अप। आफ्टर द ब्रेकअप याना को नहीं मिला काम या अटेंशन। कम बैक के लिए याना ने अपनी चड्डी तक उतार दी और टपक गई वो एट अ चिल्ड्रंस चैरिटी इवेंट विदाउट वेयरिंग पैंटीज। फिर उनके सोर्सेज ने फैलाई खबर कि याना को हुए ऑफर रुपीज 1 करोड़ इफ शी अग्रीज टू पोस्ट टॉपलेस फॉर अ मैगजीन कवर। अपेरेंटली याना कंट्रोवर्सीज अट्रैक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि महेश भट्ट की मर्डर 2 के लिए वो एक और सिजलिंग आइटम सॉन्ग करने वाली है, जहां वो अपने ऑलमोस्ट सारे कपड़े उतारने वाली है। Yana seems to be growing bolder, or should we say naked, day by day. पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा पाना चाहती थी अ टिकट टू बॉलीवुड। महेश भट्ट ने उन्हें दी बी टाउन में एंट्री विद द फिल्म नजर, तो इस मूवी के चर्चे होने लगे फॉर द इंटीमेट किसिंग सीन्स शी डिड। पाकिस्तानी इंडस्ट्री वालों ने किया प्रोटेस्ट और मीरा को मिले डेथ थ्रेट्स। जब वो बॉलीवुड में नहीं दिखा पाई कोई कमाल, उन्होंने अपने डायरेक्टर महेश भट्ट को ब्लेम करके मचाया बवाल। मीरा ने अब किया है एलेज कि महेश भट्ट स्लैप्ड हर, और वो है एक मेजर कारण फॉर हर फेलियर टू मेक इट इन बी टाउन। शी क्लेम कि भट्ट थे बहुत ही पोजेसिव और नहीं चाहते थे कि मीरा उनके अलावा किसी और डायरेक्टर के साथ मूवी साइन करे। वो तो ये भी कह रही थी कि महेश भट्ट उनकी ग्रोइंग स्टारडम से होने लगे जेलस, और उन्होंने मीरा को सुभाष घई, मणिरत्नम और आरजीवी जैसे डायरेक्टर से मिलने ही नहीं दिया। महेश भट्ट को मीरा अपना गुरु एंड बॉयफ्रेंड भी कहती है। महेश भट्ट सेज कि वो मीरा की इन हरकतों से है वाकिफ एंड दैट शी हैज एन अनस्टेबल माइंड, जिसके लिए उन्हें इलाज करवाना चाहिए। मीरा की इन चीप हरकतों से परेशान होकर महेश's वाइफ सोनी राजदान ने मीरा के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है अंडर द चार्जेस ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन। बॉलीवुड तो दूर की बात है, पहले शी विल हैव टू वंस अगेन फेस द इंडियन लॉ, जो उन्होंने पहले भी वीजा इश्यूज की वजह से वायलेट किया था, फॉर व्हिच द एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैड डिटेन्ड हर। अनदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक ने भी की है कोशिश टू ग्रैब द लाइमलाइट एंड मेक हर वे इन आवर इंडस्ट्री। पहले पाकिस्तान में वीना के नेकेड फोटोशूट के पिक्चर्स नेट पर रिलीज हो गए, फिर उनके सेक्स स्कैंडल्स हो गए पॉपुलर। 2004 में वो फिर से हुई अक्यूज ऑफ बीइंग इन्वॉल्वड इन इनडिसेंट एक्ट्स विद हर को-स्टार्स। वीना का अफेयर विद पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ स्टार्टेड क्रिएटिंग अ स्टर, और फिर वो हुए एक्सपोज बाय वीना इन द मैच फिक्सिंग स्कैंडल। फिर नेशनल टीवी पर वीना ने किया टॉवल ड्रॉप, अश्मित पटेल को बुलाया अपना हस्बैंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब लेट्स वेट एंड वॉच कि उन्हें ये हरकतें कितनी दूर तक ले जाएंगी। बारबरा और ऋतिक के रोमांस के रूमर्स थे स्ट्रॉन्ग, और बारबरा हुई थी अक्यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऋतिक्स मैरिज। काइट्स मूवी में हुआ नहीं ऋतिक का मेंशन एक्सेप्ट फॉर हिज हॉट लव मेकिंग सीन्स विद बारबरा मोरी। बारबरा ने छुपाया इंडियन मीडिया से अपने माँ होने का और सही उम्र का राज, और अब इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद बारबरा फिर से उम्मीद कर रही है फॉर अ कमबैक ऑपोजिट राजीव खंडेलवाल। बारबरा को वार्न कर देना चाहिए कि राजीव टू इज अ मैरिड मैन। होप शी डजंट ब्रेक एनी मोर होम्स। तो क्या ये चीप गर्ल्स हैं बेशर्मी की हद? क्या इन्हें हमारे देश में मिलना चाहिए फेम या फिर पढ़ने चाहिए थप्पड़? Well, let's discuss this on Parishari with our page 3 and Bollywood expert Simi Chandok.
Simi, so good to see you again. Same here, Urvashi. मैं देख रही हूँ कि you know after this whole Osama killing and all that, बहुत देशभक्ति जाग गई है even in page 3. All the kudos for that. तो आपको क्या लगता है ये East Europe की girls आके यहाँ पे इतनी desperate क्यों हो रही हैं? Are you talking about the Yana Guptas and the Nargis Fakhris or you're talking about the other lot? There are two. And the first lot to start with. Urvashi, it's very simple. 10 साल पहले, 12 years ago, probably when Yana Gupta started off her career, she was so popular here as a model. She was one of the very few so-called beauties we had from East Europe here. And everybody just grabbed her and they wanted her to model for them, to do item numbers for them and everything. And that's how she moved on and she broke her marriage up or whatever. And she got so much fame and money and then something went wrong. जब उन्हें Bollywood का कीड़ा लग गया, you know, so to say. Sorry to sound so crude. And uske baad, the change that you see today, everywhere you have East European girls. So today, if you look at India, it's full of these girls from these kind of countries and they're here by the hordes. It's like you look at the entertainment business, ya sare gande dhande, sab jagah ye dheron se padi hui hain ye ladkiyan yahan par. And today, to see these girls from these countries in a place like Delhi or Mumbai or you know any big city is like jaise Delhi mein momos bikte hain na, waise ye ladkiyan yahan pe dikhti hain. But do they really have to take off their pants and panties and shirts and I don't know what not? Well, Nargis ne shirt utari nahi thi. Nargis ne kisi aur ki shirt pehen li thi. And yes, of course, Yana is famous for her taking off panties act. And I think agar ye sab na kare to nobody is going to notice them. That's the problem. They'll just be lost in the crowd. And this is the only way they can survive here. So on the other hand is, of course, Katrina and her success story. And she's, again, not from here. So yes, she's a brilliant success story. And she's really, really made it. And I think she's to blame for this surplus import. But by the way, she's never been that cheap. She just did a few steamy scenes for Boom or whatever the shady movie that she first did and debuted with. And then we have the Veena Maliks and the Meeras of the world as well. Oh, don't even start Meera here. You know, she was all over the TV channels in every possible media office she could be trying to just go on and on about this Mahesh Bhatt thing. I mean, did she wake up after all these years? Was she sleeping? Was she in coma like a Hindi film heroine? A, she's too old to try and make it as an item girl, item songs, or as a heroine. So I think it's kind of late for Meera and she's missed the bus. She can do all that she wants, try and build up as many controversies, as many allegations. It's not going to work for her. And by the way, if she's watching this, she needs to take some serious lessons in her English pronunciation. So if she's looking at the Yanas and the Nargis Fakhris and all these girls, you know, the very Western English accent is in, not her Gaon ka English accent. Terrible. She should just stick to speaking Urdu and not even attempt that broken English. Okay, what's your opinion on Veena Malik then? Pass.